नमस्कार साथियों, इस वक्त मौसम की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चक्रवात मोचा ने एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया गया है, जिसका असर 14 मई को दोपहर तक देखने को मिलेगा। वहीं एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 10 टीमें और 300 से ज़्यादा बचाव कर्मी एनडीआरएफ टीम ने तैनात कर दिए हैं, जिसकी रफ्तार 175 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने को मिलेगी। वहीं म्यांमार और बांग्लादेश के हज़ारों लोगों के घरों से खाली करा दिए गए हैं। अब तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोचा तूफान को लेकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मोचा तूफान ने एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसे मोचा चक्रवाती तूफान को देखते हुए कुछ राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। बताया जा रहा है कि मोचा तूफान का कहर एक बार फिर से कई राज्यों में देखने को मिलेगा। दक्षिणी पूर्वी तट और म्यांमार के उत्तरी तटों को पार करने की अभी इस वक्त जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इन तटीय इलाकों को जल्द से जल्द खाली करा दिया गया है। वहीं कुछ 200 से ज़्यादा दल तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त की ताज़ा बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कमेंट में अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें और मौसम का हाल कैसा है ज़रूर बताएं।